क्योंकि बात यह है कि हम लोग कुछ शिवतत्व को प्राप्त हैं और हमारे अंदर आनंद की उर्मियां उठ रही हैं, हम सीरियस कैसे हो सकते हैं? कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया? और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए, तो ऐसा मुंह लटका लेते हैं जैसे स्मशानी में चले जाते हैं। कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते बोलते देखा नहीं। ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता है बीवी गूगल निकाल के 10 कदम पीछे चलता, वो बिचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके। और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना, इसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात करा तो समझ लेना चाहिए इसकी वो बीवी नहीं। इम्पॉसिबल। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है कि सांप। और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में है, घर उसे बात भी नहीं करने का, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से लगे, जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध, किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य करती है जो ये चाहते हैं। इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे, उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व ले जाते। शिव अपने ढंग से, पार्वती अपने ढंग की। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से हो जाओ और पार्वती ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से, ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लास्ट जिसे कहते हैं प्यार मनमुटाव चलते है। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो कभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद प्राप्त। जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं, तो उस वक्त में समझ लीजिए यह आनंद खत्म। और इतनी बेवकूफी की बात है, जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते रहे, आपस में सहयोग आपस में मेल जोड़ रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने गृहस्थी में भी किसी तरह से मेल जोड़ होना चाहिए, ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद में। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इतने भी चिड़ती है आदमियों से, बहुत दिल्ली में मैंने देखा उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे। अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व है, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को भी पा सकते, उसे सुख पा सकते हो, उसे आप अहंकार को अपने पाल सकते हो, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं। आनंद के लिए तो आपका अपना शिव तत्व है उसको पाना, तो फिर दुखी रहने कौन सी बात? अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है, हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, जितने साल तक हम इंडिया में रहे हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली सारे, एक वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन, एक दिन मौलाना आजाद मर गए थे और सब चीज बंदी हो गई। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन हूं, मुझे क्या, वो
वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम कर रहे तो, और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है, तो उनको बार बार सताने से फायदा क्या और तकलीफ देने से फायदा क्या, उल्टे वो थकते आए, उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, ये चीज हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद पड़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती और शाम को चाहती कि आदमी 12 एक बजे तक उनको घुमा देती। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर पूरे रात भी घुमाए आपको आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि तो आपका आत्मा ही जागृत, आपका आत्मा जागृत कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए आपस, लेकिन कुछ मुझमें कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे तो और उनमें भी कमी है। पर ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं, और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख। तो जब तक आनंद में रहना, आनंद में रहो, ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख करता है। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, मनुष्य निस्संग में आ जाए, निस्संग कोई भी चीज उसको न रोके, जहाँ किसी भी चीज की लालसा, किसी भी चीज की इच्छा उसको न दबाए, तब कहना चाहिए वो सहज हो गया, तब वो सहज हो गया, जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं, ये चीज नहीं है चलो दूसरी चीज, वो चीज है चलो दूसरी चीज, ऐसा जो मस्त रहता आदमी उसको कहना चाहिए वो सहज हो गया। और आशा है इस दिल्ली शहर में आप इस तरह से लोग तैयार होने वाले और होंगे, क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है, जो आनंद लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद होते, और आनंद की जो एक लहर होती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं इतनी खुश होता हूँ, मेरे बच्चे इतने आपस में खुश है, प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठा, यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती है ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है आप बदलते हैं, जहाँ पे दोस्ती है आपस में, इसको काट उसको खींच उसको ये कर, एक को नीचा कर एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार, इससे बढ़ के और माँ को खुश दिन हो जाए तो मैं कि इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल। आशा है आज आप लोग अपने विष्णु को स्थापित करें।